Assalamualaikum everyone. आप लोग बहुत सारे आदमी लोग जो पूछते रहते कि भाई ये YouTube पे वाटरमार्क कैसा लगाया जाए, तो इसीलिए हम लोग भी, मैं भी नया हूँ, मैं भी कैसे ये सीखा आपको आप ये आज बताएंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक, देखते रहिए किस तरीके से। ये बहुत इजी प्रोसीजर है, आप अगर मेरा साथ आखिर तक बना रहेंगे तो आखिर साथ वीडियो के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वीडियो बनाया जाए। आप देखिए, इसमें पहला मैं गूगल में सर्च करके मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम लिख के मैं सर्च करके पहला मेरा यूट्यूब चैनल को ढूंढता हूँ। ढूंढने के बाद इधर आ गया मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मुसा ट्यूब। मैं इस पर क्लिक करके मैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको खोल दिया। अभी यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है कि ये देखिए, इधर जो आपका ये जो कोने में जो आइकॉन जो है आपका जो यूट्यूब का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके सीधा आप जो यूट्यूब जो स्टूडियो जो है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा यूट्यूब स्टूडियो पे। तो जब यूट्यूब स्टूडियो जब खुल जाएगा तब भी इधर आके आप देखें ये जो आपका जो कुछ वीडियो करने का टाइम कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये देखिए पूरा एक पेज जो ओपन हुआ। अभी यहाँ पे आके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो सेटिंग जो है ये सेटिंग पे आप क्लिक कीजिए। सही है, अभी मैं सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो फॉर्म खुल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप जो इधर चैनल जो है ये चैनल पे जाइएगा। तो चैनल पे जाने के बाद आपको सिर्फ वाटरमार्क लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ब्रांडिंग जो है ना, ब्रांडिंग एक देख रहे हैं आप, ये ब्रांडिंग पे जाइएगा। आप ब्रांडिंग में जाने के, ये देखिए मैं ऑलरेडी वाटरमार्क लगा के रखा है। सो अभी आपका इधर देखिए तीन चार ऑप्शन है, एक है एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो पे रहेगा ये वाटरमार्क, और एक है कस्टम स्टार्ट टाइम जो है, जो पहला से यानी आपका साथ रहेंगे कि पहला शुरुआत में आपका जो वाटरमार्क लोगो जो है वो आएगा, और आखिर में जो है एंटायर वीडियो जो है यानी आपका साथ यानी कंटिन्यू ये रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं तो ऑलरेडी लगा चुका है, तो मैं दोबारा आपको एक दफा दिखाने के लिए मैं इसको रिमूव कर देते। पहले रिमूव करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पता इधर कि चूज इमेज जो है, चूज इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा। चूज इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको जहां से पिक्चर उठाना, पहले मैं बोल देता हूँ कि ये जो पिक्चर जो है ये आपको पीएनजी में होना चाहिए। पीएनजी में होता है तो जल्दी एक्सेप्ट करते, बाकी कोई भी इसमें होता है तो आपका जो पिक्चर इश्यू जो है या पिक्चर क्वालिटी जो वो एक्सेप्ट नहीं करते। जैसा समझे कि मैं, मेरा इधर दो पीएनजी ऑलरेडी मैं पहले से ही इधर ढल के रखा है मेरा फाइल में, तो मैं ये सेकंड वाला देखता हूँ क्लिक करके क्या आता है। सेकंड वाला क्लिक करने के बाद मैं ओपन में डालता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि इंटरनेट इमेज एक्सेप्ट रेटियो सिलेक्ट ए स्क्वायर साइज इमेज। मैं दोबारा यानी ये इमेज में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं ले रहा ऊपर सॉरी। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिख के दे दिए लोग कि पीएनजी और जीआईएफ फॉर्मेट का जो फाइल रहेगा वही लेंगे वो लोग, और 1 MB का जैसा होना चाहिए। ओके, पहला जो मैंने सिलेक्ट किया वो नहीं लिया, तो अभी मैं क्या करेंगे कि दूसरा चूज करता हूँ, चूज इमेज। तो मैं दूसरा लगे थे पहले वाला, अभी दोबारा चूज करता हूँ पहले वाला, ऐसा इसको ब्लॉक करके ओपन करता हूँ। देखिए ये ले लिया, ये जो होना चाहिए जो स्क्वायर साइज इमेज, जो राउंड शेप नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो नहीं लिया था पहला वो राउंड शेप था इसीलिए नहीं लिया, अभी मैं स्क्वायर साइज वाला ले लिया। अभी इसको मेरे को कहाँ पे रखना है, जैसा एंड ऑफ द वीडियो, कस्टम स्टार्ट ऑफ द वीडियो, और कितना सेकंड रहना चाहिए वो, या एंटायर वीडियो, अगर एंटायर वीडियो में क्लिक करें तो मैं ये कंटिन्यू आपका वीडियो साथ रहेगा एंड तक कंटिन्यू रहेगा ये। तो अभी मैं इसको ऐसा ही करके फिर जाके क्या करते, इधर नीचे जो सेव है ना, सेव ऑप्शन में मैं अभी उसको क्लिक कर देते हो जाएगा ये, कुछ घबराने का जरूरत नहीं, ऐसा ही हो जाता है। मैं भी अभी नया नया हूँ इसीलिए मैं भी थोड़ी देर पहला इसको मालूम करने के बाद आप लोग का साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग नया लोग है तो वो लोग ऑब्वियसली आप लोग का पास ये इजी मेथड रहेगा इंशाल्लाह। मैं असल में बांग्लादेश का हूँ इसीलिए थोड़ा सा
हिंदी लैंग्वेज या उर्दू जबान थोड़ा सा इधर उधर होके आ रहा है, तो होप आप लोग समझ जाएंगे मेरा हिंदी लैंग्वेज। तो इसको अभी सेव मार दीजिए, सेव मारेगा तो क्या होता है कि वो आपका अभी वाटर मार्क के साथ वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जाके आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो ये देखिए सेटिंग सेव बोल के एक डायलॉग आया हुआ है, तो उसके बाद आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसके साथ ये वाटर मार्क आपका हमेशा लगा रहेगा। तो होप आप लोग समझ गया रहेंगे, और अगर अच्छे लगे तो मेरा चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरीके से मैं भी नया हूँ, जो नया नया यूट्यूब में आया हुआ है, और भी क्या क्या करना है नहीं है, क्या सेटिंग किधर क्या कैसा करेगा तो आपका चैनल ग्रो करेगा, इंशाल्लाह इस टाइप की टेक वीडियो लेके आप लोग के साथ में आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और थोड़ा सा मेरा वीडियो को भी शेयर करिएगा किसी के साथ ताकि चैनल ग्रो हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।